टू माई यूट्यूब चैनल टारगेट है में इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हिस्ट्री में जेके एस एस बी ने पूछे हुए हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आप यहाँ पे देख रहे हैं आ, ये तो पहला क्वेश्चन है विच एमंग फॉलोइंग वॉज द स्लोगन दैट वॉज राइज बाई इंडियन नेशनल कांग्रेस टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इंडियन Council एक्ट जो इंडियन काउंसिल एक्ट बना था एटीन टू में उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ठीक है तो वो कौन सा स्लोगन था ठीक है तो राइट आंसर इसका ये है नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन इसका करेक्ट आंसर है ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वायर द बहादुर शाह सेकंड सेंट टू एजलम बाय द ब्रिटिश आफ्टर द रिवोल्ट 1857 फिफ्टी जब रिवोल्ट 1857 हुआ था ना तब जाके यूँ कह सकते हैं ये जो बहादुर शाह जफर था इसको जलाए वतन उन्होंने किया था रगून एक प्लेस थी ठीक है वहाँ पे इसको जलाए वतन किया गया था ठीक है तो इसका राइट आंसर है तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो थ्री ने बताया है हिस्ट्री में आओ, विच वाइस रॉय पार्टिशनड बंगाल ये हर एक को पता होगा नाइनटीन फाइव में जो है पार्टिशन बंगाल किस वाइस रॉय के जरिए किया गया था वो था लॉर्ड कर्जन ठीक है राइट आंसर इसका लॉर्ड कर्जन है तो क्वेश्चन नंबर फोर विच एमंग द फॉलोइंग इज अ वोमेन फ्रीडम फाइटर फ्राम कर्नाटका कर्नाटका की ऐसी कौन फ्रीडम फाइटर वोमेन थी हुगेनाइज प्रभात फेरीज एट प्रजेंट जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था प्रभात फेरीज जेल में ठीक है कर्नाटक की गई है तो राइट right आंसर जो है इसका अम्बाबे ठीक है अम्बाबे तो इन्होंने ही जो ऑर्गेनाइज किया था प्रभात फेरीज ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेम द प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर एंड एजुकेशनलिस्ट फ्रॉम बंगाल का है हु बोर्न इन द एटीन ट्वेंटी तो इसका राइट right आंसर जो है ये ईश्वर चंद्रा विद्या सागर ठीक है विद्या सागर इसका सही आंसर है तो ये सोशल रिफॉर्मर भी रहे हैं और एजुकेशनिस्ट फ्रॉम बंगाल के हैं ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच ऑफ़ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वा सेट अप बाय द लाल चंद लाल चंद ने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई थी ठीक है तो वो था पंजाब हिंद सभा, पंजाब हिंद सभा, ठीक है ये मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन आए हुए हैं हिस्ट्री में रिसेंट एग्जाम्स में आए हैं ये तो क्वेश्चन नंबर सेवन इन विच ईयर इन विच ऑफ़ द फॉलोइंग ईयर एन इंटरम गवर्नमेंट अंडर नेहरू इन टू नाइनटीन फोर्टी सिक्स राइट आंसर इसके बाद जो है वह वॉज द फ्रोस्ट सन ऑफ पेशवा पेशवा बाजी रॉय बाजी रॉय सेकंड के फ्रोस्टर सन कौन थे ठीक है तो वो थे नाना साहेब नाना साहेब उसके बाद इन विच ईयर डिड म्यूटनिटी ब्रेक आउट ऑन द शिप ऑफ रॉयल इंडियन नेवी ऐसे कौन सी म्यूटनिटी ब्रेक हुई थी रॉयल uh, इंडियन नेवी में ठीक है तो वो कौन सी ईयर में हुई थी ये आंसर है ठीक है क्वेश्चन है तो आंसर इसका नाइनटीन फोर्टी सिक्स ही है उसके बाद क्वेश्चन नंबर टेन नेम द ट्रीटी दैट वाज साइनड आफ्टर द फर्स्ट एंग्लो बर्मीज़ वार ऐसी कौन सी ट्रीटी साइन की गई थी जब फर्स्ट एंग्लो बर्मीज़ वार हुआ था तो वो था ट्रीटी ऑफ यदना बो यद यं, यं, यंद, यंदा बो यदा बो यंदा बो ठीक है तो ये थोड़ा सा ट्रांसलेशन करने में है तो सॉरी फॉर दैन उसके बाद क्वेश्चन नंबर अलेवन जो है वेन डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस एलेक्शन टू द इंडियन प्रोविशल लेजिस्लेचर कब किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इलेक्शन इंडियन प्रोविशियल लेजिस्लेटर में तो 1937 में ठीक है ब्रिटिश ने अनाउंस किया था इलेक्शन उसके बाद क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व हु एमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द फोर मोस्ट लीडर ऑफ खिलाफत यह सभी को पता होगा खिलाफत का जो जबरदस्त लीडर था वो शौकत अली था ठीक है ये अली ब्रदर्स है ना तो शौकत अली उनमें मेन था उसके बाद हो इस्टैब्लिश शांति केतन किसने इस्टैब्लिश किया तो ये हैं आपके रबिर रबिंद्राथ टैगोर ठीक है सही आंसर है इसका उसके बाद इन विच ईयर वाज़ द मद्रास महाजन सभा इस्टेबलिश किस ईयर में महाज मद्रास महाजन सभा एस्टैब्लिश हुआ तो डेट्स भी पूछी जाती हैं ठीक है एटीन एटी फोर में हुआ है ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हु एमंग द फॉलोइंग वॉल द रूलिशनरी नेशनलिस्ट फ्रॉम महाराष्ट्र हु विशड टू ओवर थ्रो द ब्रिटिश बाई मीन ऑफ आर्म रिविल तो ये आपके वेशुदेव बलवंत पदा पद पद्ध के थे ठीक है तो यही थे ये कहाँ के थे महाराष्ट्र के रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट थे जो ये चाहते थे कि हम बाहर फेंके ब्रिटिशनर्स को ठीक है बाय आर्मड रेवलर से आर्मी बाय अपनी आर्मी से तो ये थे हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस ठीक है मिलते अब नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़